कटनी जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के खिलाफ लगातार शिकायत दर्ज करा रही महिला डॉक्टर सोमवार को महिला थाने पहुंची, जहां उसने सिविल सर्जन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की भी गुहार लगाई। लेकिन मामला दर्ज करने के बजाय थाना प्रभारी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सिविल सर्जन के अलावा महिला थाना पुलिस द्वारा प्रताड़ित की जा चुकी सुनीता सिंह ने कहा कि मामला दर्ज नहीं करने पर वो आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठा लेगी। आपको बता दें कि 14 जून को डॉक्टर सुनीता सिंह ने कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद को आवेदन देकर न्याय की मांग की थी, जिसमें उन्होंने सिविल सर्जन यशवंत वर्मा पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। कटनी कलेक्टर ने भी आवेदन की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की है। मामले की जांच भी पूरी हो गई है, लेकिन जांच में क्या मिला इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस उपाधीक्षक संतोष डहरिया, उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, वहीं रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। महिला थाने में एक महिला डॉक्टर के द्वारा जो है सिविल सर्जन जो है शासकीय अस्पताल की, उनके जो एक आवेदन दिया गया है और महिला थाने में इसकी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। तो वही काम संबंधी प्रताड़ना के आरोप हैं कि ड्यूटी वगैरह में जो लेकर है उस संबंध में तथ्य हैं। इन्होंने मेरे को इनकी मैडम और ये हमेशा से परेशान कर रहे थे, और अभी स्पेशली अभी जब से मैंने शिकायत करी है कलेक्टर महोदय से, तब तक तो रोज़ परेशान कर रहे हैं, कभी किसी केस में, कभी किसी चीज़ को लेके। और कल ही की बात है, कल ही इन्होंने एक नया रोस्टर बनाया है जो कि अब बिल्कुल ही पूर्णतः भेदभावपूर्ण है। आगे ये है कि मेरे को यदि न्याय नहीं मिलता, या तो मैं नौकरी से रिजाइन दूंगी है, या अपने ट्रांसफर करा के, और भी कुछ नहीं हो पाया तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं नहीं दूंगा बयान, आप कर सकते हो, ये सब नॉर्मल है। आप चाहो तो मेरे को ये कर सकते हो कि मैं बयान नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे ये चीज गलत है। मीडिया का दुरुपयोग, आज से नहीं जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं, ये मीडिया का दुरुपयोग है। मैं स्पष्ट, मैं इसलिए आपके पास आया कि आप अपना, लेकिन मैं पक्ष नहीं, जानते हो क्या है, मैं एक लाइन बोलूंगा, वो कल यहाँ पे बोल देगी कि मेरे बारे में है ना ऐसा बदनाम करना, नहीं करना प्लीज।